हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्ट मीटर के कनेक्शन जो है वो सिलेक्टिव स्विच के साथ कैसे करते हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेक्टिव स्विच है जो पैनल के ऊपर लगा हुआ है, और ये एक वोल्ट मीटर है जो जिसकी रेटिंग है 500 वोल्ट तक। तो अभी इसके सिलेक्टिव स्विच के कनेक्शन कैसे करने हैं और जो उसको सप्लाई कैसे आनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके पैनल के अंदर जो सप्लाई होती है वो कैसे देनी है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो मेन पैनल है और इसके अंदर जो ये ब्रेकर लगा हुआ है जो आइसोलेटर टाइप ब्रेकर है, और इससे जो हमारी जो वायरें आएंगी जो तीनों फेज़ों की, और जो हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल की बस बार है, तो इसके ऊपर से जो नीचे से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड फेज़ की बस बार है, और ये येलो फेज़ की है और ये ब्लू फेज़ की है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि जो हमारी रेड वायर है वो रेड बस बार के साथ, अभी जो हमारी बस बार है उसके साथ कनेक्ट है, और ऐसे ही भी आप ये देख सकते हैं कि ये येलो के साथ कनेक्ट है, और ऐसे ही ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो ब्लू वायर है वो इस ब्लू फेस के साथ कनेक्ट है। तो ये भी वायरें किधर गई हैं ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो हमारी जो तीनों फेज आ रहे थे रेड येलो ब्लू, तो वो भी इस ब्रेकर के ऊपर आ गए हैं। जो हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये थ्री फेज के ट्रिपल का जो ब्रेकर लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं रेड येलो ब्लू और जो हमारी ये न्यूट्रल वायर है, और ये तीनों जो इसकी आउटपुट है वो हमारे जो सिलेक्टिव स्विच के ऊपर जा रही है। अभी मैं आपको वो सिलेक्टिव स्विच है वो उसका जो बैक साइड है उसके ऊपर कनेक्शन कैसे किए हुए हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेक्ट स्विच है, ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास पैनल पे लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जो वोल्ट मीटर की बैक साइड है उसके ऊपर वायरें कैसे कनेक्ट की हुई हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड फेज आया हुआ है वो हमारे पास जो हमारा एक नंबर टर्मिनल है, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, तो उसके ऊपर कनेक्ट है, और ऐसे ही जो ब्लू है वो 5 नंबर के ऊपर कनेक्ट है, और जो हमारा येलो है वो 3 नंबर के ऊपर कनेक्ट है, और जो हमारा न्यूट्रल की वायर होगी ये अब ये देख सकते हैं कि वो 11 नंबर के ऊपर कनेक्ट है। और जो इसकी सिलेक्टर स्विच की आउटपुट होगी, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो सिलेक्टर स्विच की आउटपुट है, ये अभी हम देख सकते हैं कि नीचे से इसकी जो आउटपुट है वो हमें दो वायरें ली हुई हैं जो हमारी वोल्ट मीटर को जाती हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इधर इसके कनेक्शन बने हुए हैं, तो अभी मैं आपको ड्राइंग के ऊपर भी दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था जो हमारा वोल्ट मीटर था वो 7 पोजीशन वाला था, मतलब कि ये जो 0 पोजीशन होती है ये इसकी ऑफ होती है, और ये जो लिखा हुआ R और S, इसके ऊपर हमारा रेड और येलो फेज आएगा, और ऐसे ही S और T के ऊपर येलो और ब्लू आएगा, और ये T और जो R लिखा हुआ है इसके ऊपर रेड और ब्लू फेज आएगा, और इधर जो 0 पोजीशन है इसकी ये ऑफ पोजीशन है, और अगर इधर तो हम जो हमारा डबल फेज़ की सप्लाई आती है, थ्री फेज़ की सप्लाई, वो हम इधर मेजर करेंगे, और जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे ये देख सकते हैं कि आर एन एस एन और टी एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमने सिंगल फेज़ की जो सप्लाई है वो मेजर करने के लिए, जो वो उसके वोल्टेज मेजर करने के लिए जो इसकी पोजीशन होगी वो आर एन के ऊपर रखेंगे तो हमारा रेड फेज़ का सप्लाई आएगी, और एस एन के ऊपर रखेंगे तो हमारी येलो की, और टी एन के ऊपर रखेंगे तो हमारी जो ब्लू फेज़ की सप्लाई आएगी। तो ये इसके ऊपर नीचे इसके कनेक्शन भी देख सकते हैं जो इसके कनेक्शन किए हुए हैं कि जो पॉइंट हैं वो मिलेंगे तो कौन सी सप्लाई हमें मिलेगी, तो ये इधर नीचे पूरा इसकी डायग्राम बनाई हुई है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा सिलेक्टर स्विच था वो 7 पोजीशन वाला था, ये 0 पोजीशन के ऊपर ये सिलेक्टर स्विच है ये जो ऑफ है, तो इसको अभी हम L1 और L2 के ऊपर करेंगे, तो मतलब कि हमारा जो रेड और जो येलो सप्लाई है वो आ जाएगी, तो इसकी जो ये देख सकते हैं कि 400 के ऊपर वोल्ट इसके आ रहे हैं। ऐसे ही आपने ये दूसरी पोजीशनों पे रख के इसको वोल्टेज इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे ये सिंगल फेज़ के वोल्टेज आएंगे, मतलब कि रेड और न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज आ रहे हैं ये देख सकते हैं कि 220 वोल्टेज तक ये हमारे आ रहे हैं, और ऐसी आगे पोजिशनें हैं।
फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो पैनल था इसके अंदर एक VFD भी लगी हुई है। तो ये VFD हम क्यों कनेक्ट करते हैं, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो इधर कनेक्शन किए कैसे किए हुए हैं, ये VFD के नीचे जो इसके कनेक्शन होते हैं वो कैसे किए हैं, और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड जैसा कि भी आपको मैंने VFD दिखाई है, तो ये उसका कंट्रोलर है। तो इसके ऊपर सेटिंग कैसे करते हैं और जो इसकी हम जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सेट करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको जो हमारी ये सिलेक्टर स्विच के बारे में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।